हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सेल थ्योरी है बेटा जिसके अंदर मेन बात है कि किसने इसे दिया था तो 1838 में एट में जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स को देखा था और बताया कि प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने होते हैं एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर शॉन ने जोलॉजी वाले ने एनिमल सेल्स को देखा और बताया कि उनके बाहर भी हर सेल के बाहर एक मेमब्रेन है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने कहा कि सेल वॉल जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है ये भी थियोडर शॉन ने ही बताया शॉन ने हाइपोथेसिस दी कि बॉडी जो है किसी प्लांट या एनिमल की वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई होती है शेल्डन और शॉन दोनों ने मिलाकर सेल थ्योरी दी थी इस थ्योरी ने हालांकि ये एक्सप्लेन नहीं किया कि नए सेल्स कैसे बनते हैं बस ये बताया कि सेल से बॉडी बनी होती है रूडोल्फ विर्च्यू ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और कहा कि सेल्स हमेशा पहले वाले सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर बनते हैं और इसके बाद सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी दी गई आफ्टर मॉडिफिकेशन बाय रोडोल्फ विर्चो आज जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है उसमें दो बात है पहली बात पहले वाले लोगों की शॉन और स्केलेडन की कि सेल और प्रोडक्ट से बॉडी बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और दूसरी बात रोडोल्फ विर्चो की कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग इस